हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर ऑयल, जो कि मैं जिसे मैं खुद बनाती हूँ। नो, इट्स लाइक अ DIY हेयर ऑयल, जिसे मैं 1 वीक में 1 टाइम तो यूज़ कर ही लेती हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो गाइस। तो मेरा DIY हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले जो बेस ऑयल मैं लेती हूँ और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है कैस्टर ऑयल, क्योंकि मैं कैस्टर ऑयल की आजकल दीवानी हो रखी हूँ। सो आप देख सकते हैं बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। सो ये ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ऑयल है इसमें, तो मैं इसे एक बाउल में जो आप देख रहे हैं वो उसमें मैं कन्वर्ट कर लूँगी इसे। सो ये टोटल 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल होएगा कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए, रफनेस को दूर करने के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए, मतलब ओवरऑल बेस्ट हेयर ऑयल है। इवन स्किन ऑयल भी ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। सो नेक्स्ट, अब मैं मिला रही हूँ इसमें ऑलिव ऑयल। तो मेरे पास है फिगारो का, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या कोई और ऑलिव ऑयल हो तो आप मिक्स कर सकते हैं। सो मैं इक्वल अमाउंट में जितना मैंने कैस्टर ऑयल लिया था उतना ही मैं फिगारो ऑलिव ऑयल भी लूँगी। ओके, तो फिगारो तो एक सब ब्रांड, तो मैं ऑलिव ऑयल उतना ही लूँगी। और ऑलिव ऑयल भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट कैस्टर ऑयल से 2nd नंबर पर आता है। कैस्टर ऑयल थोड़ा थिक होता है और ऑलिव ऑयल उतना थिक नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 100% प्योर कोकोनट ऑयल। मेरे पास है पैराशूट का, मैं हमेशा से पैराशूट इस्तेमाल करती हूँ। आप जो भी इस्तेमाल करते हो आप वो इस्तेमाल करिए। और इसे भी मैं इक्वल अमाउंट में यानी 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल इतना ही डालूँगी और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं ये मीठा बादाम का तेल यानी स्वीट आलमंड ऑयल, सो इसे मैं मिला रही हूँ। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बालों में शाइन आती है और क्या कहते हैं, मतलब डैंड्रफ है, और ये जो पूरा हेयर ऑयल है ना, ये सब तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो मैं बना रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आपको इसमें मिलाना है एसेंशियल ऑयल। सो मेरे पास 2 हैं, एक लेवेंडर का है और एक टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। सो मैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाने वाली हूँ, क्योंकि आपकी अगर डैंड्रफ है, अगर आपको थोड़ा मतलब जुए हुए हो रखी हैं बालों में और थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो रखा है, तो भी ये उन सब से आपको निजात दिलाएगा। तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए और इवन आपकी स्किन के लिए। सो मैं इसमें ऑलमोस्ट मैंने 8 to 10 ड्रॉप्स मिलाए हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसे एक बॉटल में भर के रख लूंगी। तो मेरे पास ये जो कैस्टर ऑयल की बॉटल थी वो पूरी फिनिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बस मैं इसका ऊपर का स्टिकर हटा लूंगी और इसी में ही इसे स्टोर करके रख लूंगी, और इसे आप जब तक चाहे तब तक स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ और है, अगर आप इसे माइक्रोवेव कर लेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। बट माइक्रोवेव करने के लिए सबसे पहले माइक्रोवेव करिए, देन एसेंशियल ऑयल मिलाइएगा। सो ये मेरा DIY हेयर ऑयल बनके रेडी है, आप इसे 1 वीक में एक बार ज़रूर लगाएं और असर खुद देखें। सो अब मैं बहुत जल्द लौटूंगी मेरे कुछ नए मेकअप ट्यूटोरियल्स के साथ। सजेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज़।